नमस्कार, मैं नौशाद परख के विशेष कार्यक्रम लेखक से गुफ्तगू में आपका स्वागत है। नाजरीन, जैसा कि आज के गुफ्तगू का मौजू है हिंदुस्तानी सिनेमा में भाषाई सियासत, इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे बीच सिनेमा और सिनेमाई भाषा के विशेषज्ञ के रूप में बेहद खास मेहमान डॉक्टर रविकांत मौजूद हैं। दोस्तों, रविकांत किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, फिर भी चूंकि यह प्रोग्राम YouTube के माध्यम से अपने सुनने वालों के पास पहुंचेगा और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी है, जो अनजान भी है और जवान भी है, हमें नहीं मालूम कि यह प्रोग्राम इंटरनेट के माध्यम से कहां तक और किस किस तक पहुंचेगा, इसलिए उनका मुख्तसर सा तारुफ कराए चलता हूं। आप पेशे से सिने इतिहासकार हैं और वर्तमान समय CSDS में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपने कई किताबों और रिसालों का लेखन और संपादन भी किया है, जिसमें आपकी बहुचर्चित किताब मीडिया की भाषा लीला, जो 2016 में प्रकाशित हुई थी, वही दूसरी संपादित किताब ट्रांसलेटिंग पार्टीशन स्टोरी एसे एंड क्रिटिसिज्म है, जो 2001 में प्रकाशित हुई थी, वही तीसरी दीवाने सराय भाग वन मीडिया विमर्श हिंदी जनपद 2002, दीवाने सराय भाग दो शहरनामा 2005, और अभी हाल ही में आपने शाहिर लुधियानवी विशेषांक का संपादन किया है, जो नया पथ जर्नल में शाये हुई है। साथ ही भारतीय भाषा कार्यक्रम के बैनर तले छपने वाले समाज विज्ञान की दुनिया में सुप्रसिद्ध हिंदी जर्नल प्रतिमान के संपादक भी हैं। दोस्तों, अब तक के छात्र जीवन में हिंदी भाषा में दो ऐसी किताबें पढ़ने का मुझे मौका मिला है जो हिंदी जबान में शाये होने वाली ढेर सारी किताबों से बिल्कुल अलग है। पहली रविकांत सर की किताब मीडिया की भाषा लीला और दूसरी मरहूम राजकुमार केसवानी जी की किताब कसकोल सफीनाए उर्दू के नाखुदाओं की दास्तान। दोस्तों, बेहद अफसोस है कि सफीनाए मोहब्बत के नाखुदाओं में से एक केसवानी साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, इन दोनों किताबों में बड़े पैमाने पर हिंदुस्तानी जबान का इस्तेमाल किया गया है, जो कि गांधी नेहरू जैसे नेताओं के भाषाई तसव्वुर को अमल में लाने की काबिले तारीफ कोशिश की गई है, जिसमें जिसका पहला कारण तो यह है कि लेखक का शोध और अध्ययन क्षेत्र साहित्य, सिनेमा और रेडियो रहा है, जिसमें सारा काम मिली जुली यानी हिंदुस्तानी जबान में होता रहा है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि दूसरी वजह लेखक खुद अपने किताब में बता रहे हैं कि गंगा जमनी तहजीब और साझी संस्कृति के बीच उनकी परवरिश है। दोस्तों, यह किताब कई कारणों से बेहद दिलचस्प है। पहले, इस किताब की भाषा, जो इस किताब के लिखने में जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा, इस किताब में पुरानी फिल्मों के पोस्टरों, फिल्मी रिसालों की तस्वीरें, विज्ञापनों, कार्टूनों और स्मृतियों के इस्तेमाल से अपना एक दस्तावेजी महत्व भी है। इस किताब में इस्तेमाल की गई नई की गई सामग्री दो बातों की तस्दीक करती है। पहली, कि लेखक एक मजे हुए आर्काइविस्ट और इतिहासकार है। वहीं दूसरा, जिस प्रकार इस किताब में मुहर्रम और दुर्गा पूजा के स्मृतियों को शामिल किया गया है, जो लेखक की निजी व्यवहारिक जिंदगी से लिया गया है, इस बात की तस्दीक करता है कि लेखक अपने सैद्धांतिक जीवन से लेकर निजी जिंदगी में किस कदर गंगा जमनी तहजीब के प्रति प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों, अब इसी मुख्तसर परिचय के साथ गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और इस गुफ्तगू के पहले सवाल, सर, जैसे अगर आपकी लिखनी को अगर हम देखें तो आपके अकादमिक जीवन की शुरुआत ट्रांसलेटिंग पार्टीशन स्टोरीज एसे एंड क्रिटिसिज्म से होता है, जो मीडिया और होता है जो मीडिया की भाषा लीला तक पहुंचता है और उससे आगे भी है, जो बेहद दिलचस्प मालूम होता है। और सर, मुझे और अपने परख के दर्शकों के लिए ये जानने में दिलचस्पी कि आपके इस सुहाने सफर का राज और नुस्खे क्या है।
नौशाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कमल के इस चैनल परख पे मुझे बुलाया। मैं देख रहा हूँ कमल को, मैंने सुना है कमल को, हम पढ़ते हैं कमल के साथ काम करते हैं, तो बड़े सुलझे हुए विद्वान हैं और हम उनसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं। तो और इस, चूंकि ये सार्वजनिक आयोजन है, तो मेरा नाम रविकांत है, मेरे माँ बाप ने कोई बुरा नाम नहीं दिया है, आप मेरे नाम से मुझे संबोधित कर सकते हैं, सर कहने की जरूरत नहीं है। सुहाने सफर, सफर कितना सुहाना है ये तो मुझे नहीं पता। मैं जरूर कहूंगा कि मैं इस सफर में आकंठ डूबा रहा हूँ और इसमें रोना धोना भी बहुत हुआ है। जब आप पार्टीशन पे काम करते हैं और पार्टीशन के मुतालिक जो लिखी हुई कहानियां थी उससे जुड़ी हुई, मंटो की, राय मासूम रजा की, कृष्णा सोपती की, भीष्म साहनी की और दीगर बहुत सारे लोगों की कहानियां जब आप, या उपन्यास जब उनके, यशपाल, इन सब के जब आप पढ़ते हैं, तो वो सफर बहुत सुहाना नहीं था, निश्चित तौर पर नहीं था, क्योंकि उससे बड़ी त्रासदी हमारे सबकॉन्टिनेंट ने, दक्षिण एशिया ने झेली नहीं थी। तो उससे जो साक्षात्कार होता है आपका, उसमें जो पीड़ा होती है, भावनात्मक पीड़ा जो होती है, जो मानसिक कष्ट होता है, उससे उबरना आसान नहीं होता है। और उसके बाद फिर अपने, चूंकि आप अकादमिक जगत से हैं, चूंकि आप शोध कर रहे हैं, तो फिर अपने दिमाग को सहज रखना पड़ता है और विश्लेषण करना पड़ता है, जिसमें इस मानसिक क्षोभ का जो आप महसूस करते हैं उसकी कोई जगह नहीं है। तो अपने आप से लड़ना पड़ता है और लड़ना पड़ा जब हम पार्टीशन पे एमफिल कर रहे थे इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में, और बहुत सारी घटनाएं थी ऐसी जो कि उस समय की, जो हमको मजबूर कर रही थी ऐसे सवाल पूछने से कि अच्छा जड़ें क्या है इसकी। जैसे कि बहुत सांप्रदायिकता का उभार हो रहा था तो हम जानना चाहते थे, या जाति को लेकर के, आरक्षण को लेकर कुछ जो विवाद चल रहा था उसके हम बीच में थे, विद्यार्थी थे, और हम जानना चाहते थे उसका राजनीतिक समाधान भी जानना चाहते थे, चाहते थे कि हो, और दूसरी तरफ चाहते थे कि समझें कि ये हो कहाँ से रहा है। ऐसा लोग अगर लामबंद हो रहे हैं धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर, तो ये पहला मौका तो नहीं। पार्टीशन एक मौका था और उसको समझने की कोशिश जरूरी थी, उस चक्कर में हमने वो पढ़ाई शुरू की। और उसके बाद जाहिर है कि बहुत कुछ, बहुत लंबे समय तक वो चला, और फिर मैं यहाँ आ गया, सराय आ गया, पढ़ाया दिल्ली विश्वविद्यालय में तकरीबन 7 सालों तक। वो बड़ा मजेदार अनुभव रहा, उनमें से कई विद्यार्थी मेरे दोस्त अभी भी हैं जिनको पढ़ाया उस दौर में 1993 से लेकर के 2000 तक, और उसके बाद यहाँ आ गया और बहुत मजा आया। सराय प्रोग्राम यहाँ शुरू हुआ था CSTS में, उसमें हम लोग मीडिया पे बहुत सारी नई चीजें, इंटरनेट तब आया ही था, कंप्यूटर तब आया ही था, और उसमें हमारी चिंता थी कि भारतीय भाषाओं के लिए हम कैसे सामग्री जुटाएं, क्योंकि कंटेंट उस समय कुछ भी नहीं था भारतीय भाषाओं में। ऐसा लगता था कि इंटरनेट की मातृभाषा, मादरी जबान सिर्फ अंग्रेजी है, हैं? तो हमारी ललक ये थी, हमारी लालसा थी कि हम कैसे इसको हिंदी में या उर्दू में या तमिल में, तेलुगु में, असमिया में, इन तमाम जबानों में, बांग्ला में अपने कंप्यूटर को बोलना सिखाएं। ये क्यों कमांड सिर्फ अंग्रेजी में लेता है, इसका जो डेस्कटॉप है ये हिंदी में क्यों नहीं चलता है, हम ब्लॉगिंग हिंदी में क्यों नहीं कर सकते, हम चैट हिंदी में क्यों नहीं कर सकते, हम जो कीबोर्ड है उस, आखिर टाइपराइटर तो एक लोहा है जिसको बदला नहीं जा सकता, उसको बदलने के लिए पूरा लोहा ही बदलना पड़ेगा, लेकिन कंप्यूटर लोहा नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से चलता है। लोहा भी होगा, जो भी होगा, उसमें प्लास्टिक है, चिप्स हैं, ये है वो है, लेकिन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में की खासियत ये होती है कि कई सॉफ्टवेयर आप एक साथ लगा सकते हैं। तो हमने कहा कि अच्छा ये अगर सॉफ्टवेयर है और एक तरह का कीबोर्ड है, एक तरह का फॉन्ट है, तो आप दूसरे तरह का कीबोर्ड भी लगा सकते हैं, एक ही फॉन्ट में कई तरह के कीबोर्ड लगा सकते हैं, है ना। तो एक तो वो, दूसरा ये कहना उसको हम हिंदी में क्या कैसे कहें, कुंजीपट, कीबोर्ड को हम कुंजीपट क्यों नहीं कह सकते हैं, मॉनिटर को हम दरस पट क्यों नहीं कहते, दरस दर्शन देखना, पट
बोर्ड है ना, तो हमने उसको दरसपट कहा। फिर टच स्क्रीन जैसी चीजें आने लगी जिसको आप छूते हैं, आजकल मोबाइल में टच स्क्रीन बहुत आम हो गया है, तो फिर हमारे सामने चुनौती थी कि उसको क्या कहें, तो हमने उसको कहा परसपट, बहुत आसान है। परस मतलब स्पर्श, मतलब छूना, परसपट, दरसपट, परसपट। आप पासवर्ड कहते हैं अंग्रेजी में, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो भाई अली बाबा 40 चोर की कहानी हम लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है, बहुत पुरानी कहानी है और सब जानते हैं उसको। हमने कहा उसमें एक पासवर्ड था है ना, खुल जा सिम सिम, तो खुल जाता था दरवाजा, वो गुफा का जो द्वार था वो खुल जाता था। तो हमने कहा कि हमारे लिए पासवर्ड का मतलब सिम सिम है, तो हमने उसका अनुवाद सिम सिम किया। इस तरह से हम बहुत मजा आया जब हम हमने बहुत सारे फर्स्ट किए, पहली बार हमने बहुत कुछ किया, और जो वो आनंद था उस मौके का और उस लम्हे का और उस क्षण का आनंद है, टेक्नोलॉजी से साक्षात्कार करते हुए जिस आश्चर्य और हैरानी की अनुभूति आपको होती है, जो एहसास होता है कि आपने कुछ कर दिखाया, टेक्नोलॉजी में जो असंभव लग रहा था, गैर मुमकिन लग रहा था, आपने कर दिखाया, तो एक अजीब सी रचनात्मक खुशी मिलती, वो भी बड़ा मजेदार रहा। तो वहां से थोड़ा मीडिया वगैरह में दिलचस्पी पैदा हुई, मैं इतिहास का विद्यार्थी था ही, तो मुझे लगा कि मीडिया का इतिहास मैं लिख सकता हूँ, चूंकि हमारे यहाँ कई उस्ताद थे, रवि वासुदेवन जैसे, रवि सुंदरम जैसे, और भी लोग थे जो कि मीडिया करते थे, तो हमने उनसे बहुत कुछ मीडिया सीखा, और जो हमारा नेटवर्क बना सराय में इंडिपेंडेंट फेलोज को लेकर के या कंप्यूटिंग फेलोज को लेकर के, तो उससे बहुत एक 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 एक, एक नई जानकारियां मिली, नया क्षितिज खुला, तो फिर मुझे रिसर्च में ही दिलचस्पी आने लगी ज्यादा। फिर बाद में मैंने पीएचडी किया, तो पीएचडी में फिर ये लगभग ही स्वाभाविक हो गया कि फिर मैं ऐसे विषय पर काम करूं जो कि मीडिया से ही रिलेटेड हो। वैसे भी पार्टीशन पे बहुत कुछ कर चुका था, सोच चुका था, और मैं और होना नहीं चाहता था, तो मैं शिफ्ट कर गया सिनेमा के हिस्ट्री पर। लेकिन सिनेमा का हिस्ट्री मेरे लिए सिर्फ सिनेमा का हिस्ट्री नहीं है, वो एक साथ भाषा का इतिहास है, वो बाकी माध्यमों का इतिहास भी, यानी कि सिनेमा का इतिहास रेडियो का इतिहास भी है, सिनेमा का इतिहास इंटरनेट का इतिहास भी है, सिनेमा का इतिहास पत्रकारिता, सिने पत्रकारिता का भी इतिहास है, यानी जर्नलिज्म का, हिंदी और उर्दू में जो लिखा गया है पत्रकारों द्वारा, कई पत्रिकाएं जो शाया हुई उस जमाने से लेकर इस जमाने तक, उसका इतिहास अपने आप में दिलचस्प है, तो वो सब अभी चल रहा है। सर, जैसा कि आज के गुफ्तगू का मौजू है हिंदुस्तानी सिनेमा में भाषाई सियासत, तो सर मैं अब सिनेमा की ओर आपको मतलब खींचना चाहूंगा कि आप सिनेमा की तरफ मैं सवाल को, सर जैसा कि मौजूदा दौर में संप्रेषण के माध्यमों में सर्वाधिक प्रभावकारी माध्यम सिनेमा है, बकौल नेहरू सिनेमा का काम है दीवारें तोड़ना, इंसान और इंसान के दरमियान की दीवार, मजहब और मजहब के दरमियान की दीवार, काले और गोरे के बीच की दीवार, कौम और कौम के दरमियान की दीवार। जैसा कि नेहरू साल 1961 में दूसरे अखिल भारतीय फिल्म महोत्सव के आयोजन के मौके पर हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम की हैसियत से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मुल्क और गैर मुल्की प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि हर एक नजरिए से फिल्म का अहमियत सराहनीय है, इसलिए नहीं कि फिल्म सिर्फ तफरी का एक जरिया है जो कि फिल्मी का बुनियादी मकसद है, बल्कि इसलिए कि तालीम और तरबियत के लिए फिल्मों से बढ़कर ताकत और जरिया इजहार और कोई नहीं है। तफरी के साथ साथ अवाम की चेतना के बेदारी करना फिल्मों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उन्होंने ये कहा था। लेकिन सवाल यह है कि फिल्मों में किसी खास धर्म को एक उदार रूप में पेश करते हुए सिलेवेट किया जाता है, वहीं दूसरी ओर दूसरे धर्मों या समुदाय को रूढ़िवादी या आधुनिकता विरोधी यानी नकारात्मक छवि पेश करने की लगातार कोशिश की जाती रही है। सर, यह एक सोची समझी राजनीति से प्रेरित प्रक्रिया है या अनजाने में ऐसा फिल्म साजों द्वारा हुआ है जिसका लाभ राजनीतिक लोगों ने पहचान की राजनीति करने में अपनी राजनीतिक साधने में इस्तेमाल किया। सर, आप इस पूरे प्रक्रिया को कैसे देखते हैं?
इसमें बहुत सारे सवाल हैं और बहुत बड़ा इतिहास है। इसमें जो लोग हड़बड़ी में, जल्दबाजी में नतीजे निकालना चाहते हैं सिनेमा के बारे में, उनसे मैं अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि पहले फिल्मों को देखें। कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि कम्युनल सिनेमा रहा है, कि हिंदू हिंदू जैसा बनाते हैं, हिंदुओं का पक्षपात करते हैं और मुसलमानों को ढंग से नहीं दिखाते हैं, और मुसलमान जब बनाते हैं सिनेमा तो हिंदू, लेकिन ऐसी बात है नहीं। कुछ जाहिर है, सिनेमा इसी समाज का एक उत्पाद है, इसी समाज का प्रोडक्ट है, तो सिनेमा को ये मानना कि वो पूरी तरह इस समाज की के जो को जो द्वेष हैं, जो भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, समाज की जो सियासत है, राजनीति है, उससे अलहदा है, बिल्कुल नहीं। मेरा ये मानना है कि सिनेमा लोकप्रिय विधा के रूप में, नेहरू जी गांधी जी से अलग थे इस मामले जी, कि नेहरू जी मानते थे सिनेमा को और थोड़ा प्रोत्साहित भी किया। उसके पहले सिनेमा को इज्जत के नजरिए से नहीं देखा जाता था, है ना। जो जो इज्जतदार घरानों के लड़के लड़कियां थे, उनसे उम्मीद नहीं की जाती थी कि वो सिनेमा में जाएंगे, बल्कि उनको निरुत्साहित किया जाता था कि आप सिनेमा में जाना मतलब वो तवायफों का अड्डा है, जहाँ पे व्यभिचार होता है, जो तो अच्छे लोग तो काम करेंगे नहीं है। उसके बरक्स बहुत तरह के मॉडल विकसित हुए सिनेमा में, जैसे कि देविका रानी और उनके पति, तो ये पति पत्नी के रूप में या एक पारिवारिक पेशे के रूप में भी शुरू हुआ, यानी कि तवायफों से मुक्ति दिलाई जाए और इसको व्यभिचार का अड्डा नहीं बनाया जाए, इसको एक सम्मान दिया जाए। और सिनेमा ने राष्ट्रवादी जो आंदोलन था, अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई, अभी अमृत महोत्सव चल रहा है चारों तरफ, है ना, उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। तब से, जब से दादा साहब फाल्के ने वो सपना देखा कि द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट देखते हुए सपना देखा कि हम भी, ऐसा वक्त आएगा, मैं बनाना चाहता हूँ एक ऐसी फिल्म जिसमें मैं श्री कृष्ण जन्म को दिखा सकूं। और उन्होंने बकायदा ट्रेनिंग ली, बाहर गए, अपने पत्नी के गहने बेचे और फिल्म की शुरुआत की, फिल्म बनाने की शुरुआत की। उनको भारतीय सिनेमा का इसीलिए जनक या फादर कहा जाता है ना, दादा साहब फाल्के को। तो वहां से लेकर के जब उन्होंने राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म बनाई से लेकर के आज तक, सिनेमा भारत के की राजनीति, भारत के की संस्कृति, भारत के कुछ भी कोई एस्पेक्ट हो, चाहे वह जाति का सवाल हो, चाहे वह स्त्री पुरुष बराबरी का सवाल हो, चाहे क्षेत्र का सवाल हो, चाहे भाषाओं का सवाल हो, सिनेमा इनके बीच रहा है। हर विवाद में सिनेमा का दखल है, सिनेमा ने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जरूर कहा है। उसमें कुछ वक्तव्य ऐसे हो सकते हैं सिनेमा के, जिस पर आप ये आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो लोग जल्दबाजी में इस तरह के आरोप लगाते हैं, उन्होंने ढंग से भाषा को लेकर के, उदाहरण के तौर पर बड़ा दिलचस्प है कि रेडियो की भाषा, डेविड लेलीवेल्ट ने काम किया बहुत अच्छा उस पर, कि रेडियो की भाषा इतनी संस्कृत निष्ठ क्यों हो जाती है, आकाशवाणी की भाषा, और सिनेमा की भाषा वैसी क्यों नहीं रहती। तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक सवाल है, ऐसा क्यों होता है कि सरकारी जो प्रतिष्ठान है यानी आकाशवाणी, उसकी भाषा तो संस्कृत निष्ठ होती है, हिंदी, लेकिन सिनेमा की भाषा कहीं ना कहीं बिचौलिया जबान होती है, वो टोवा टेक्सिंग जबान है, जो न हिंदुस्तान की जबान है न पाकिस्तान की जबान है, मैं इसको कहता हूँ कि बिचौलिया जबान है और मिलीजुली जबान है, मिलीजुली संस्कृति की मिलीजुली जबान। वो बहुत उसका भी कारण उसी समय है जिस समय फाल्के को हम ट्रैक कर रहे हैं, या 1931 जब सिनेमा ने बोलना शुरू किया, वहां पर है उसकी जड़ें। क्या है भाई, पारसी थिएटर है, पारसी थिएटर पहले से काफी लोकप्रिय विधा है नाटकों की। जो लोग पारसी थिएटर में काम कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग लेखक के रूप में, निर्देशक के रूप में, एक्टर के रूप में आते हैं सिनेमा में। आगा हाशिर कश्मीरी है, बहुत बड़ा नाम है। सुदर्शन जो न्यू थिएटर्स के लिए लिखते हैं, जो उर्दू से हिंदी में आए थे, प्रेमचंद तो चले गए थे, जल्दी आए और जल्दी चले गए, लेकिन सुदर्शन टिके रहे सिनेमा में, पहले कोलकाता में, फिर
बॉम्बे में, दोनों जगह उन्होंने काम किया। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, नारायण प्रसाद बेताब, उसी तरह से बहुत सारे लोग थे जो कि कलकत्ता में काम कर रहे थे और फिर बॉम्बे में भी काम करते हैं। तो एक एक तो जीवनियों की परम की निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, कि बहुत सारे लोग जो पारसी थिएटर में काम कर रहे थे वो उन सब टेक्नोलॉजी को, उस टेक्नोलॉजी को जो परफॉर्मेंस का टेक्नोलॉजी है उसको लेकर के आते हैं सिनेमा में, भाषा भी लेकर के आते हैं, उसकी भाषा हिंदुस्तानी थी, है ना। फिर जब सिनेमा बोलने लगता है खास तौर पर तो उसका बंटवारा भी होता है, ऐसे एक्टर जो वो भाषा नहीं बोल पाते थे एक्टर या एक्ट्रेसेस, उनकी नौकरी चली जाती है, क्योंकि अब तक तो चुपचाप काम, जैसे चार्ली चैपलिन की फिल्में होती थी उसमें चार्ली चैपलिन बोलता तो है नहीं, तो उस तरह का सिनेमा 1931 से पहले था। तो जब बोलने लगता है सिनेमा तो आप फिर भाषावार उसका बंटवारा भी हो जाता है कि बंगाली सिनेमा हो गया, मराठी सिनेमा हो गया, है ना, तमिल सिनेमा हो गया, पंजाबी सिनेमा हो गया, सिनेमा की भाषा हो गई, है ना। लेकिन इन सब में हिंदुस्तानी सिनेमा का सबसे बड़ा बाजार रहा, वैसे ही जैसे कि हिंदुस्तानी पारसी थिएटर का बड़ा बाजार था सिनेमा। जिस तरह से आज इंटरनेट सबसे लोकप्रिय माध्यम अगर कुछ है तो इंटरनेट, और इसको मैं संगम माध्यम कहता हूं, कन्वर्जेंस, इसमें आकर के सारी नदियां, तमाम मीडिया की जो नदियां हैं मिल जाती हैं। उसी तरह अगर हम उस समय जाएं, फाल्के के जमाने में जाएं, या जब सिनेमा बोलने लगता है टॉकी युग में जाएं, तो हम कहेंगे कि उसमें बहुत सारी चीजें आकर मिल जाती हैं, संगम माध्यम है, उसमें पेंटिंग है, उसमें लेखन है यानी साहित्य है, उसमें कविता है, गीत है, उसमें फोकलोर है, लोगों की कव्वाली है, भजन है, उसमें विदाई गीत है, है? जब माता पिता अपने बच्चों को विदा कर, बच्ची को विदा करते हैं अपने घर से, ठीक है, आजकल कनेक्शन हो गया ना, उस समय तो जब लड़की विदा होती थी तो मान के चलता था माँ बाप की हम तो मिल नहीं पाएंगे अभी, ठीक है, खूब यारों कतार रोती थी लड़कियां और माँ बाप भी रोते थे, है क्या? उसका गीत, उसका एक्सप्रेशन, मर्सिया खानी, ठीक है, जख्म फिल्म देखो उदाहरण के तौर पर, कोई भी ऐसा मौका नहीं है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, औत्सविक हो यानी फेस्टिवल का मौका हो, या रोजाना की जिंदगी का मौका हो, नहीं है ऐसा कोई मौका जिसके लिए गाने नहीं है। जिस तरह से हमारी संस्कृति में बहुरंगी संस्कृति जो हमारी डाइवर्स विविध, उसमें हर मौके के लिए गीत संगीत है, है? उसी तरह से सिनेमा में वो आ जाता है, जीवन से सिनेमा में उठ के आ जाता है, क्योंकि सिनेमा लोगों का माध्यम, लोगों से पैसा कमा के सिनेमा अपने आप को बनाए रखता है, ये सूत्र वाक्य है, बेसिक बात है। तो जो लोग इसको टेम करने की, इसको पालने की, इसको नकेल कसने की बात बार बार करते हैं, उनको थोड़ा सा होशियारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि सिनेमा पर नकेल कसना इतना आसान कभी हुआ नहीं, लोगों ने किया था, उस नेहरू के जमाने में भी नकेल साधने की कोशिश की गई थी, और हम बात करेंगे उसके बारे में जब हम रेडियो के बारे में बात करेंगे। तो सर तीसरा सवाल मेरा ये है कि फिल्मों में जबान को लेकर, जैसे विभाजन के दूसरे दशक में बनी फिल्म मुगल-ए-आज़म काफी मकबूल हुई, उस जिसकी लोकप्रियता आज भी बनी हुई है, देखे तो इस फिल्म में उर्दू जबान की मौजूदगी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मुगल-ए-आज़म की एक डायलॉग का जिक्र यहाँ करना चाहूंगा जो काफी दिलचस्प है, कि बा खुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं अपने वसूलों के गुलाम हैं, एक गुलाम की खुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं अपने वसूलों के गुलाम हैं, एक गुलाम की बेबसी पर गौर करोगी तो शायद हमें माफ कर सकें। पृथ्वीराज कर, गौरतलब है कि यह डायलॉग किसी भी लिहाज से हिंदी नहीं है, लेकिन इस फिल्म के निर्देशन को जबरन हिंदी फिल्म का सर्टिफिकेट लेने पर मजबूर होना पड़ा, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? पहले तो मैं ये थोड़ा सा जो कंफ्यूजन तमाम लोग करते हैं नौशाद, जब इस इतिहास को लिखने जाते हैं और भाषा में बांट करके शुरू करते हैं तो मुझे परेशानी होने लगती है, ठीक है, कि किसको क्या कहा जाए, क्या इस हिंदी और उर्दू के बीच में ये जो भेद है, विभाजन है, इतना आसान है? नहीं, नहीं है,
इसीलिए हिंदुस्तानी नाम की जरूरत पड़ती है फिल्म का अध्ययन करने वालों को। वो कहते हैं कि हिंदुस्तानी, भले ही कुछ लोग जैसे हरीश त्रिवेदी जैसे लोग हैं, प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी, वो कहते हैं कि हिंदुस्तानी जैसी कोई जबान ही नहीं रही है। भाई गांधी जी किसके लिए लड़ रहे थे? क्या हिंदुस्तानी में किताबें नहीं लिखी गई? क्या हिंदुस्तानी में डिक्शनरियां नहीं बनी? हिंदुस्तानी के नाम से बनी। ये जरूर है कि अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, या फ्रांसीसी का किसी गारसा दत्तासी ऐसे लोगों का दिया हुआ नाम है हिंदुस्तानी, लेकिन हिंदुस्तानी ऐसी जबान है जो कि मिलवा जबान है, जो कि कई बोलियों से अल्फाज लेकर के एक खड़ी बोली के रूप में पैदा होती है। उसको आप हिंदी कह लीजिए, उसको आप उर्दू भी कह लीजिए, उसको आप हिंदुस्तानी भी कह सकते हैं। तो पहले तो मैं ये कहना क्लियर करना चाहूंगा, लेकिन झगड़ा नाम का तो था ही। आलोक राय ने कहा है व्हाट इज देयर इन अ नेम, ठीक है, नाम में क्या रखा है? नाम में बहुत कुछ रखा है, क्योंकि ये भाषा का जो झगड़ा था वो झगड़ा राष्ट्रवाद का झगड़ा था, ठीक है। कभी उसको भाषा के नाम पर लड़ा गया, कभी उसको धर्म के नाम पर लड़ा गया, और हम जानते हैं कि धर्म के नाम पर भी राष्ट्र जब बने तो उनको भाषा के नाम पे आगे टूटना पड़ा, है ना। जैसे पाकिस्तान दो भागों में भाषा के आधार पर ही बना। तो ये बहुत गहरी लड़ाई है, उर्दू हिंदी की लड़ाई हम जानते हैं। और उसमें मैं उसको जैसे देखता हूं, ये है कि एक ही जबान को आपने मेकिंग अ डिफरेंस, एक बार फिर आलोक राय जो कहते हैं, आपने फर्क पैदा कर दिया जानबूझ के और कहा कि नहीं ये हिंदी है और ये उर्दू है और दोनों को प्योर बनाओ, दोनों को शुद्ध बनाओ। ऐसी जबान जो कि मिलवा जबान थी, ठीक है, वो हुआ भी, प्रिंट में यह काम किया जा सकता था, ठीक है। तो क्या उसके भाषा कहाँ है? भाषा की जगह होती, भाषा हवा में नहीं होती, उसके बोलने का कुछ स्थान होगा, उसके प्रयोग का कुछ स्थान होगा, उसको प्रैक्टिस, उसकी रियाजत होगी, है ना। तो अब कब्जे की लड़ाई थी 19वीं सदी से शुरू होकर के, कम से कम तो कचहरी में पहले उर्दू का राज है, हटाओ उसको, हिंदी को लाना है, कचहरी में लाओ, फिर प्रिंट में लाओ। हम जानते हैं कि प्रिंट में पहले उर्दू का बोलबाला था, ठीक है, प्रिंट में धीरे धीरे हिंदी का नवजागरण होता है, हिंदी की चेतना का प्रसार होता है, हिंदी राष्ट्रवाद का प्रचार होता है, और उर्दू को बेदखल कर दिया जाता है धीरे धीरे। फिर सिनेमा आता है, सिनेमा में ये झगड़ा आगे बढ़ता है, फिर रेडियो आता है, रेडियो पे, तो तमाम जो इदारे हैं या जो संस्थाएं हैं वो झगड़ा बदस्तूर उस झगड़े का नवीनीकरण होता रहता है, वो झगड़ा नया होता रहता है, ठीक है, वो लोग लगाए रखते हैं जो अलगाववादी ऊर्जा जो। फिर इन सब के बावजूद सिनेमा की जबान वैसी क्यों रह जाती है? जिस पर हमको ये जो पृथ्वीराज कपूर का डायलॉग है उसको, जाहिर है कि अगर आप उर्दू को फारसी अरबी बहुल भाषा मानते हैं तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं कि हाँ भाई चलिए जो बोल रहे हैं पृथ्वीराज कपूर डायलॉग वो है। लेकिन इस फिल्म में हम जानते हैं कि मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए हुए। मुझे ये भी पता है कि उसमें जोधा का जो डायलॉग है वो खास तरह का डायलॉग है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एक सोच है कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की जबान बोलते हैं। जैसे मेरे गांव में जो अलग अलग जातियां अलग अलग ढंग से बोलती हैं, ये मुझे एहसास तब हुआ जब मैं एक अखंड कीर्तन होता है, ठीक है, तो अखंड कीर्तन एक बार हो रहा था, तो ऊंची जाति वाले लोग ही ऑर्गेनाइज करते हैं, वही ज्यादा पैसा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि छुआछूत है, उसमें उस मंडप पे कोई भी आके गा बजा सकता है, ठीक है। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही चलता है वो तीन दिन चार दिन एक हफ्ता जो भी है चलता रहता है। तो मैंने देखा कि उसमें जब जो ऊंची जाति के लोग थे वो एक खास तरह से उसको गाते हैं, और जो ऊंची जाति के लोग नहीं है, है ना, उसी गांव के, वो जब घुसते हैं मंडप में और जब वो टेक ओवर करते हैं उसमें एक अलग ऊर्जा है, ठीक है, वो उस तरह से उस भजन को नहीं गा रहे हैं या कीर्तन को जैसे कि ये लोग गाते हैं, है ना। तो एक ऊर्जस्वी है और तेज तेज रिदम है उसका, बीट्स उसके तेज हो जाते हैं, ठीक है। तो एक ही गांव में दो लाइन को गाते हुए अलग अलग लोग भाषा को अलग अलग बरत रहे। तो भाषा, हम जानते हैं कि ये फर्क है,
हर व्यक्ति की अपनी भाषा होती है, यहां तक कि अगर आप बहुत ही गौर करें तो आपकी भाषा आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करती है, आपकी भाषा से आपकी पहचान होती है। माँ अलग बोलती है, बाप अलग बोलते हैं, बच्चे अलग बोलते हैं, हर बच्चा अलग बोलता है अगर आप गौर करें भाषा पर, ठीक है, जैसे कि व्यक्तित्व, तो भाषा उसका एक हिस्सा है, तो उस लेवल पे तो है फर्क, हो सकता है। लेकिन झगड़ा ये था कि 10 साल मुगले आजम को बनने में लग गए, तो के आसिफ साहब ने एक टैक्टिकल मूव लिया, उन्होंने कहा कि नहीं हम इसका नाम हिंदी ही लेंगे, ठीक है। हालांकि बहुत सारे ऐसे फिल्म बनाने वाले लोग थे जिन्होंने अपनी फिल्मों का नाम उर्दू लिया। आपको आजादी थी उस जमाने में कि आप जब सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते हैं तो अपनी फिल्म का नाम हिंदी या उर्दू रख सकते थे या हिंदुस्तानी भी रख सकते थे। तो अगर आप सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट देखेंगे उस जमाने का तो आपको इन तीनों भाषाओं में मिल जाएगी नाम मिल जाएंगे फिल्मों पे। उर्दू नाम उतने कम नहीं है जितना कि आशीष राजाध्यक्ष के एनसाइक्लोपीडिया में आपको मिलता है, उससे ज्यादा फिल्में हैं जो उर्दू में बनी, ठीक है। कमाल अमरोही अपनी फिल्मों का नाम उर्दू ही रखते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कहा कि हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें फिल्म बनानी है, फिल्म की जो जबान है वो प्रिंट की जबान से अलग है। प्रिंट में क्या है कि आप एडिट करते हुए उसकी भाषा को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ज्यादा, एक एडिटर बैठा हुआ है, ठीक है। सिनेमा भी जाहिर है कि कोई ना कोई उस भाषा को पैदा कर रहा है, तैयार कर रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन वो भाषा बोलचाल के ज्यादा नजदीक है और वो उसको बहुत ज्यादा आबादी तक पहुंचना है, तो वो अगर आपसी संवाद की भाषा बन जाएगी, फिल्मकार जिस भाषा में बात करता है उसी में उसके चरित्र भी बात करने लगे, तो बात वहां तक नहीं पहुंचेगी जहां तक वो बात को पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचेगी नहीं। तो उस एक टैक्टिकल मूव मैं मानता हूं कि के आसिफ जैसे फिल्मकारों ने कहा कि हमको इस झगड़े में नहीं फंसना है किसको क्या कहा जाए, और दरअसल शमसुर रहमान फारूकी वगैरह ने तो कहा है कि हिंदी पुराना नाम है, उर्दू से पहले हिंदी का नाम, बिल्कुल, तो क्यों कहेगा झगड़ा। तो के आसिफ जैसे लोग एक तरह से शमसुर रहमान फारूकी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कहें आप कि उर्दू में कुछ नहीं था क्या, सब कुछ हिंदी ही था, तो वो भी गलत है। उर्दू, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि लोगों ने कुछ को उर्दू कहा, एक जबान को, एक उसके एक सिरे को, है ना, अगर एक पूरा स्पेक्ट्रम मान लिया जाए, इसमें एक तरफ अरबिक, अरबी फारसी से लदे हुए अल्फाज हैं, दूसरी तरफ संस्कृत निष्ठ शब्द, तो दोनों के बीच में जो बड़ा इलाका तो बीच का इलाका है, और उस बीच के इलाके की भाषा तो मिली जुली, और कोई भाषा कभी शुद्ध होती नहीं, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे कोई भी हो, सर्वथा शुद्ध कोई भाषा आज तक हुई नहीं है। एक मृत भाषा शुद्ध हो सकती है, भाषा बहता नीर, कबीर ने कहा था। तो इसलिए ये झगड़ा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंटरेस्टिंग है, हिंदी कहा जाए कि उर्दू कहा जाए कि हिंदुस्तानी कहा जाए, तो और लेकिन मुझे लगता है कि सिनेमा ने हमेशा बिचौलिया जबान, बीच की जबान, देखिए होता क्या है, हम जब सिनेमा बनाते हैं तो कई तरह के चरित्र होते हैं, एक चरित्र होगा डॉक्टर, ठीक है, वो अक्सर अंग्रेजी बोलता है, एक होता है जज, वो अक्सर कुछ अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल, वकील वो भी एक कुछ अंग्रेजी के अस्तित्व, क्यों, कैंपस की कहानियां होती हैं वहां पर अंग्रेजी बहुत चलता है, ऐसा क्यों होता है। फिर किसान है वो किस तरह की जबान बोलेगा, नौकर है वो किस तरह की जबान बोलेगा, तो इतने तरह की जबान आप अपने चरित्रों से बुलाते हैं तो क्या होता है कि आपका दायरा फैल जाता है और आप अपने चरित्रों में, किरदारों में विविधता ला सकते हैं कि भाई इतने सारे किरदार सब एक ही जबान नहीं बोलते हैं, तो उसकी प्रामाणिकता कहां से आती है, भाषा से आती है, जैसे कि वेशभूषा से प्रामाणिकता आती है कि वो कुर्ता धोती पहने हैं कि लुंगी पहने हैं, लुंगी कैसे पहने हैं, साड़ी कैसे बांधती है महिला, इससे तय होगा कि वो मराठी है कि राजस्थानी है, कि वो बिहार की है या यूपी की है या साउथ की है या असम की है। तो जैसे वेशभूषा से किरदारों का चरित्र तय होता है,
उसी तरह से भाषा से भी तय होता है। इसलिए आप सिर्फ हिंदी, हिंदुस्तानी या उर्दू के लफड़े से आजाद है सिनेमा का इतिहास, मुझे लगता है उसमें घटा करके नहीं देखना चाहिए। हालांकि लोगों ने बहुत बड़ा तूफान खड़ा किया इसको लेकर के, इसलिए कि हमारा समाज ऐसा ही रहा है, क्या करें। सर बहुत बढ़िया जवाब, शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि परख के दर्शकों को बहुत ही पसंद आया ये जवाब। सर दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि जैसा सर आप अपने लेखनी में भी, अपनी किताब में भी लिखते हैं कि सिनेमा की भाषा को किसी एक दायरे में बांध कर रखना ये संप्रेषण धर्म के खिलाफ है। तो लेकिन साहिल लुधियानवी जैसे कद्दावर शख्सियत के द्वारा किया गया दावा कि हिंदी फिल्मों की जबान 97% उर्दू है, उसके बाद जो एक लंबा विवाद चला वो चला जिसे आपने अपनी किताब में भी शामिल किया है और हाल ही में जो आपने एक साहिल लुधियानवी से संपादित किया उसमें भी उस एक लेख है जिसमें जब साहिल ट्रोल हुए। तो सर ये पूरी जो कहानी है इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं, अगर इस ये हालांकि विवाद बहुत पुराना है, आपकी किताब में भी ये दर्ज है और आपके भी हाल फिलहाल में जो साहिल लुधियानवी स्थान उसमें भी दर्ज है, लेकिन ये परख के दर्शकों के लिए अगर आप इस पूरे विवाद को अगर फिर से एक नए ऊर्जा के साथ आप बताएं तो शायद हम जैसे युवाओं के लिए ज्यादा अच्छा होगा। ये उस कब्जे की राजनीति, कब्जे की सियासत है ना, नाम देना, कब्जा करना। मंटो ने एक बड़ी अच्छी कहानी लिखी, कहानी क्या है, वो एक शब्द चित्र है। कल सवेरे जो मेरी आंख खुली, ठीक है, मंटो पाकिस्तान में है और घूमने निकलते हैं, तो मैं में लिखा हुआ, मैं शैली में, तो अपनी बात कर रहे हैं। तो जैसे ही वो निकलते हैं वो देखते क्या है, नाले पे, परनाले पे, छज्जे पे, चौबारे पे, हर जगह चौक चौराहे पे पाकिस्तान जिंदाबाद है ना, लकड़ियों का टाल, ये पाकिस्तान है ना, या चिन्ना का नाम। अचानक रातों रात जब सवेरे उनकी आंख खुलती है तो वो हर जगह पाकिस्तान नाम लिखा हुआ, टंगा हुआ पाते हैं, साइन बोर्ड सारे बदल गए। यानी एक ऐसा इलाका है, क्षेत्र है, जगह है जिसको नाम दिया जा रहा है, नया नाम दिया जा रहा है। हम जानते हैं इस चीज को, चूंकि आजकल हमारे मुल्क में भी बहुत नाम पुनर्नामकरण हो रहा है, चाहे सड़कों का हो, चाहे स्टेशनों का हो, चाहे शहरों का हो, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो एक एक खास तरह की सोच होती है, अस्मितावादी सोच हमेशा सिंबल से चलती है, प्रतीकों के जरिए वो अपनी राजनीति आगे बढ़ाती है, ठीक है, चाहे वो जाति की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे राष्ट्र की बात हो, कुछ भी प्रतीक उसमें अहम होते हैं। तो उस तो कब्जे में नाम देना, कब्जा करना, ठीक है। तो जब गांधी जी और टंडन जी के बीच में उदाहरण के तौर पर हिंदुस्तानी को लेकर के लड़ाई होती है, या इसको हिंदी कहें कि हिंदुस्तानी कहें, नागरी प्रचारणी और बाकी गांधीवादी लोग जो थे वो हिंदुस्तानी कह रहे थे, है ना, हिंदुस्तानी सभा भी बनी थी इलाहाबाद में, वर्धा में हिंदुस्तानी तालीम की बात की जा रही थी और बहुत सारी किताबें जो उस समय लिखी गई थी इसको लेकर के, जर्नल्स निकल रहे। तो क्या कहें, तो हिंदुस्तानी को बेदखल कीजिए, क्योंकि वो बीच की है, क्योंकि इन लोगों को हिंदी चाहिए थी, शुद्ध हिंदी चाहिए थी। अगर आप पंडित रविशंकर शुक्ल को पढ़े, हिंदी वालों सावधान, तो सिनेमा से उनको द्वेष क्यों है, इतना दुख क्यों है सिनेमा से, क्योंकि उनको लग रहा है कि कैसे आप मिलीजुली जबान क्यों है। उनको लग रहा है, ये असंभव लगता है कि महाभारत को उर्दू में खेला जा सकता है। भाई खेला जा रहा है इतने समय से, मुगल दरबार में जब गायन हो रहा है, ठीक है, ध्रुपद का गायन हो रहा है, भजन का गायन हो रहा है और उसको मुसलमान गा रहे हैं, तो लोगों को तो परेशानी नहीं हो रही थी। तो एक परफॉर्मेंस की एक पूरी परंपरा थी जहां पे ये भेद नहीं था, संगीत की या परफॉर्मेंस की, नाटकों की, है ना, ये भेद नहीं था। लेकिन राष्ट्रवाद का धर्म है कि वो इस तरह का भेद पैदा करे, ठीक है, नहीं तो राष्ट्रवाद नहीं है ना। किसी न किसी से दुश्मनी, राष्ट्रवाद की बुनियाद, हाँ, दुश्मनी पैदा करना, उसको बढ़ावा देना राष्ट्रवाद की बुनियाद। तो एक तो अंग्रेज थे जिनके खिलाफ चले, वो तो सबका धर्म था भाई, दोनों का। फिर अंग्रेजों के अलावा
हिंदू मुसलमान ये भी हुआ, खूब चला। तो उसी का ये भी भाषाई जो विद्वेष की राजनीति खेली गई और उसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग बोलते रहे लगातार। और मैं कब्जे की जो राजनीति कह रहा हूं, नाम इसीलिए महत्वपूर्ण है, उसी राजनीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम इसको कहें तो क्या कहें, हिंदुस्तान कहें, हिंदुस्तान कहें, भारतवर्ष कहें, क्या कहें, आर्यावर्त कहें, इसको लेकर के भी तमाम तरह की, आर्यों से हम जुड़े हुए हैं कि आर्य बाहर से आए कि आर्य यहां के थे, ये तमाम डिबेट्स चल रहे थे। ठीक है, तो कैसे पढ़े भारत को और कैसे, नेहरू भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में तरह तरह के सवाल इस तरह के पूछते हैं और समझते हैं, भारत को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सवाल ये था कि हम नाम की राजनीति को कैसे देखें। तो मुझे लगता है कि चूंकि बहुत सारे लोग प्रिंट से उर्दू वाले खासतौर पर बेदखल होते चले जा रहे थे, प्रेमचंद उर्दू छोड़कर हिंदी में आते हैं, ठीक है, सुदर्शन उर्दू छोड़कर हिंदी में आते हैं, उर्दू तो उनको हिंदी आती भी नहीं थी, उनकी पत्नी हिंदी में लिखा करती थी उनके लिए, वो उर्दू में लिखते थे वो हिंदी में लिख देती थी। ठीक, आर्य समाजी खानदान से आते थे सुदर्शन, और बहुत बड़े लेखक, हार की जीत उनकी कहानी सबने पढ़ी है स्कूल में, है ना। तो उर्दू वाले प्रिंट से भाग रहे हैं, बेदखल किए जा रहे हैं, प्रिंट का बाजार संकुचित हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, नया बाजार रेडियो का है? रेडियो अंग्रेजों के अधीन है, जो कांग्रेस के लोग हैं वो रेडियो को नहीं छुएंगे। ठीक है, तो ये उर्दू वालों के लिए वो खुल जाता है इलाका। ठीक है, लेकिन वही वो भी समय है जबकि एक तीसरी धारा भी पैदा हो रही थी, समाजवादियों की, कम्युनिस्टों की, ये तमाम लोग साहिर वगैरह जो है उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं, जो सिर्फ सिर्फ अस्मिता की राजनीति नहीं करते, हक की बात करते हैं। वो ऐसे ही देखना पड़ेगा, अगर साहिर ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, इसलिए कि उन्होंने गालिब और गांधी को लेकर के भी एक नज्म कही थी, उस वही सेंटिमेंट है, बात वही है कि भाई तुम सिंबॉलिक राजनीति तो कर रहे हो लेकिन उर्दू को जो जगह मिलनी चाहिए इस देश में वो तुम नहीं दे रहे हो। जो वादा था, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन का एक जनवादी वादा था, डेमोक्रेटिक वादा था, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे लोग जा रहे हैं, है ना, कहीं ना कहीं उसको उसको दरकिनार कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं उर्दू को। तो जब द्वितीय राजभाषा बनाने की बात आती है, उर्दू को मांग की जाती है यूपी में, जहाँ की बहुत सारे लोग थे उर्दू बोलने वाले, जाहिर है कि बहुत बड़ा तबका चला गया, पाकिस्तान चला गया, ठीक है, और पाकिस्तान में उर्दू भाषा बन गई वहां, और वहां भी बहुत सारे लोग इस बात को लेकर दुखी हैं कि उर्दू क्यों है वहां की भाषा, उर्दू कौन बोलता है, सिर्फ एलीट बोलता है, बिल्कुल, वहां पे सिंधी है, वहां पे पंजाबी है, है ना, पश्तो है, ये तमाम भाषाएं हैं। तो वो अलग कहानी, पाकिस्तान में भी ये कहानी चली रही है, बांग्लादेश तो हो ही गया अलग, है ना। तो यहाँ पे साहिब हमेशा, हमने कहा है नया पथ में जो अर्जुमंद के साथ हमने एडिट किया है उसमें भी कहा है कि साहिब हकों की लड़ाई लड़ रहे थे, कह रहे थे कि यार न्याय, वो हिंदी को डिस्प्लेस नहीं करना चाहते कि लेकिन क्या उर्दू को भी एक सरकारी, चूंकि इतना कुछ भाषाओं का भविष्य सरकारी अनुदान पर निर्भर कर रहा है, सरकारी संस्थाओं पर निर्भर कर रहा है, तो क्या हम दूसरी राजभाषा का भी दर्जा दे सकते हैं क्या, अगर दें तो थोड़ा थोड़ी हिफाजत हो जाएगी। और उनका यह भी मानना था कि भाई अगर उर्दू की हिफाजत होगी तो उससे हिंदी का घाटा नहीं होगा, उसका नुकसान नहीं है, दोनों एक दूसरे को, जैसे कि उनके अपने लेखन में वो चित्रलेखा का वो गाना लिख रहे हैं, संसार से भागे फिरते हो, तो जिसमें हमेशा एक चुनौती रही थी लेखकों के लिए जो सिनेमा में लिख रहे थे या नाटक में, आकाश कश्मीरी, उनको लोगों ने इम्तिहान लिया कि आप हिंदी लिख सकते हैं, मंटो ने अपने जो लेख लिखा आकाश कश्मीरी पे लिखा बहुत बढ़िया, तो एक बार उन्होंने तय किया कि आज मैं शुद्ध हिंदी बोलूंगा, और भाषण दिया उन्होंने आकाश कश्मीरी ने, वैसे ही शुद्ध हिंदी में भाषण दिया कि लोग दंग रह गए। तो इस तरह की चुनौतियां, वफादारी के एग्जामिनेशन, परीक्षाएं आपको देनी पड़ती,
कि मुसलमान है तो आपको हिंदी लिख पाएंगे आप, या हिंदू हैं तो क्या आप उर्दू लिख पाएंगे। ये इस तरह के इम्तिहान लोग एक दूसरे से ले रहे थे। जैसे ही पोलराइजेशन होता है समाज में तो इस तरह के अनाप शनाप इम्तिहान लोग लेते हैं, ठीक है, और उसी पर तय करते हैं कि उसकी वफादारी कहाँ। इस पर भी टेटवाल का कुत्ता बड़ी अच्छी कहानी है, सादत हसन मंटो की, है ना, और कि वफादारियां कैसे तय की जाती हैं, और जो वफादारी तय नहीं कर पाता अपनी, जो अनिश्चित है कि मैं यहाँ का हूं कि वहां का, वो अभी तक तय नहीं कर पाया, उसकी वही हालत होती है जो उस कुत्ते की होती है, वो बीच में मारा जाता है, दोनों तरफ से गोलियों की बौछार है और वो कुत्ता बेचारा मारा जाता है हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फौजों के बीच। तो भाषा भी एक तरह से इस राष्ट्रवादी भाषाई राजनीति का शिकार हुई, और उसी में आकाशवाणी, जैसे ही जब अंग्रेजों से आजादी मिलती है तो बहुत सारे लोग जैसे बुखारी साहब, वो अपना सरगुजश्त जब लिखते हैं है, तो उसमें टू नेशन थ्योरी के हिसाब से लिखते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ही उर्दू को उसकी जगह दिलाई, लोग सलाम बोलते थे स्टूडियो में वगैरह वगैरह, तो वो उर्दू की पैरोकारी करते हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जो नेता थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो एक खास तरह के हिंदू धर्म की पैरोकारी कर रहे थे, ठीक है, वो भी दबाव डाल रहे थे कि किस तरह की भाषा ऑल इंडिया रेडियो को प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। तो ये झगड़ा रेडियो में भी चल रहा था, पंडित रविशंकर शुक्ल, मैंने अपना दिखाया है उसके लेकर, लेकिन वो फिर भी हिंदुस्तानी और उर्दू, कम से कम प्रोग्रामिंग में उर्दू और हिंदुस्तानी का, आप कह सकते हैं मिली जुली जबान का वर्चस्व रखता है जी रेडियो पर, सिनेमा में तो है ही 1947 तक। फिर लेकिन वो सिर्फ वही भाषा नहीं है, संस्कृत भी है, हमेशा संस्कृत है। आप राम राज्य देख लीजिए, जो कि गांधी जी की बहुत ही फेवरेट फिल्म मानी जाती है 1943 की। आप राजा हरिश्चंद्र देखिए, आप श्री कृष्ण जन्म, इस तरह की, उसमें सबटाइटल में भी संस्कृत आता है। आप जब बी आर चोपड़ा की कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचित, क्या है, संस्कृत नहीं है, तो उसमें उर्दू फारसी हमद के लिए भी जगह है, कवाली के लिए भी जगह है। मुस्लिम सोशल नहीं बनती थी, बनती थी कि नहीं, हमारे यहाँ एक पूरा एक जॉनर ही है जिसको हमने हिंदू सोशल कभी नहीं कहा। वैसे ही जैसे कि हम नेशनलिस्ट मुस्लिम तो कहते हैं, नेशनलिस्ट हिंदू नहीं कहते थे, सब हिंदू नेशनलिस्ट है, ये अजम्पशन है कि हिंदू होने के साथ ही आप नेशनलिस्ट हो जाते हैं, जबकि मुसलमान के लिए वो आपको लगाना पड़ता है विशेषण। ये अजीब टाइप का एजम्पशन है ना, जो कि बिल्कुल गलत है। आजाद को आप कहां रख देंगे, वहीं रख देंगे नेशनलिस्ट मुस्लिम, क्योंकि बाकी तो लीगी हो गए, तो नेशनलिस्ट नहीं थे, वो तो सारे गद्दार हो गए थे और पाकिस्तानी हो गए थे पहले पल वगैरह वगैरह। ये पूरा ये चल रहा था, बहुत बड़ा झगड़ा है, बहुत बड़ा, जिसके चलते ऐसी त्रासदी हुई हमारे देश में 1947 में, जैसा कि दुनिया में बहुत कम देखा गया, मिलियन लोग परेशान हुए, घर छोड़ना पड़ा, खून खराबा हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, उनको अपहरण हुआ, उस तरह की चीज कभी हुई नहीं हमारे हमारे इतिहास में, या दुनिया के इतिहास में भी बहुत कम देखा जाता है। तो जब ये साहिर इस तरह के हुकूक की लड़ाई लड़ते रहते हैं, साहिर एसडी बर्मन से लड़ते हैं ये सिद्ध करने के लिए कि गीतकार की अहमियत संगीतकार से कम नहीं। बिल्कुल, ख्वाजा अहमद अब्बास अपने उसमें लिखा, ख्वाजा अहमद अब्बास को जब सेक्रेटरी हुआ करते थे उसके, तो जाकर उनको साथ साहिर के साथ जाते हैं और कहते हैं कि हक लड़ाई की उसमें स्क्रिप्ट राइटर का भी नाम आना चाहिए। हाँ। और साहिर ने इसकी लड़ाई लड़ी, उसकी लड़ाई लड़ी ऑल इंडिया रेडियो पर, गीतकारों का नाम आना चाहिए, वो आता नहीं था, ये साहिर ने ही वो लड़ाई लड़ी। तो साहिर को और वो जो अकाल के लिए ये लोग पैसा इकट्ठा कर रहे थे, बिहार में दुर्भिक्ष अकाल हुआ था, तो ये लोग कहा, इन लोगों ने तय किया कि मुशायरे करेंगे, मुशायरों में भाषण भी होते थे, मुशायरे से जो पैसे आएंगे वो हम अकाल वालों अकाल पीड़ितों को देंगे बिहार के। तो नोबल था, बहुत उद्देश्य तो बहुत अच्छा था, उसी में कहीं किसी भाषण भी दिया उन्होंने जिसमें उन्होंने कहा कि उर्दू अल्फाज होते हैं 97%, ठीक है,
तो ये हिंदी वाले खासतौर पर माधुरी और रंगभूमि ऐसी पत्रिकाएं जो थी, सुषमा में उतना नहीं। सुषमा चूंकि क्षमा की बहन थी और तो उसका मिलवा जबान, उसको लैंग्वेज पॉलिटिक्स में उसका क्लैरिटी है, वो हिंदी में भी बेच रही है, उर्दू में भी बेच रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन जो हिंदी के नाम पर ही फिल्मों के पत्रकार की पत्रकारिता का एक बाजार बनाकर उस पर कब्जा जमाना चाहते हैं, ठीक है, उनको परेशानी होती है। और एक एक, एक व्यापक माहौल था, है ना, अंग्रेजी वर्सेस हिंदी चल रहा था, बंगाल में विरोध हो रहा था हिंदी का, साउथ इंडिया में विरोध हो रहा था हिंदी का, आकाशवाणी के स्टेशन पर अटैक हो रहे थे, ये तमाम चीजें उस जमाने में हो रही थी। तो हिंदी वाले बहुत परेशान हो रहे थे। उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी संदर्भ में 66-67 के आसपास की बात है जब साहिर ने उस समय ये कहा था, तो उसके पीछे लोग पड़ गए थे। और उसमें वो, मैंने उस लेख में वो सब भी जिक्र किया है कि फिल्म फेयर में इन लोगों ने फिर लिखा भी कि हम लोग ये झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। और लेकिन सरकार, एक और बात थी उसमें कि नामावली जो आती है कि फिल्म जब शुरू होती है तो क्रेडिट रोल्स होते हैं, तो वो किस लिपि में जाए, रोमन में जाए या नागरी में जाए, वो भी चल रहा था। तो सरकार ने सजेशन दिया था, कहा था कि अब उसको नागरी में कर दीजिए, वो कोई भी फिल्म वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे। ऋषिकेश मुखर्जी ने भी कहा कि नहीं, सिनेमा को ऐसे लोग भी देखते हैं जो हिंदी नहीं जानते या नागरी नहीं जानते, तो कम से कम उनको उनकी दलील थी। और एक विदेशों में भी लोग इसको देखते हैं, तो बरा वो भी चल रहा था उस संदर्भ में। साहिर निर्भीक थे, साहिर ने अपना एक पोजीशन रखा और उसको उर्दू कहा, और लेकिन ये अक्षम्य अपराध लोगों के हिसाब से हो गया, अरविंद जी के हिसाब से हो गया जो कि संपादक थे, और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें साहिर को कही जो नहीं कही जानी चाहिए थी। इसीलिए मैंने कहा ट्रोल हुए साहिर लुधियानवी, क्योंकि वही साहिर है ना भाई जिन्होंने देशभक्ति के गीत लिखे, वही साहिर हैं जिन्होंने भजन गाए, उस समय तक बड़े अच्छे थे। और जब सिर्फ एक जबान को उर्दू का नाम दे दिया उन्होंने, ठीक है, तो आपको लगने लगा कि ये नफरत के शोले भड़का रहे हैं, भारत का विभाजन पैदा कर रहे हैं और तमाम तरह की चीजें। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अतिरेकी था, मेरा ये पोजीशन था। शुक्रिया सर। अब इसी से जुड़ता हुआ एक और सवाल, जैसे जिस प्रकार तरक्की पसंद लोगों का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे किसी मजहब के मानो, जो तरक्की पसंद सोच रखते हैं, उन लोग हमेशा जोर होता है कि हिंदुस्तानी जबान को हम बढ़ावा दें, लेकिन सफलता उस हद तक नहीं मिली जितना हिंदुस्तानी जबान को मिलना चाहिए, जिसमें नेहरू ने भी जो सपने देखे थे उनका भी ख्वाब पूरा नहीं हुआ। और जब यूपी में सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज की जब मांग हो रही थी कि उर्दू बना जाए, तो 87 के आसपास वहां नारा लगा था कि उर्दू थोपी लड़कों पे तो खून बहेगा सड़कों पे। तो लेकिन उसी दूसरी तरफ कुछ उर्दू दा का भी मानना है कि हिंदुस्तानी जबान कहना इससे सबसे ज्यादा नुकसान उर्दू को पहुंचा है, क्योंकि वो तक देते हैं क्योंकि ये हिंदी क्षेत्रों में खासकर यूपी और बिहार तक ही सीमित रह गया ये जब हिंदुस्तानी नाम पड़ा। लेकिन अगर ये हिंदुस्तानी ना होता तो शायद पूरे हिंदुस्तान में जितने क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसके पैरेलल उर्दू भी लगभग हिंदुस्तान बोलने वाले मिलते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तानी पड़ा तो इसका इसका एरिया महदूद होकर ये यूपी और बिहार तक रह गया। तो सर इस हिंदुस्तानी जबान को आप कैसे देखते हैं, या ये एक किस रूप में था, मतलब एक विकल्प था या एक समझौता था? मुझे लगता है कि समझौता तो निश्चित तौर पर है, लेकिन विकल्प भी था, ऐसा नहीं है। उसको अगर दोनों लोग ईमानदारी से मान लेते, मानेंगे नहीं, माने नहीं ये अलग बात है, लेकिन जो गांधी जी का जो की जो राय थी, अगर उसको दोनों लोग मान लेते तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत उसमें कुछ गड़बड़ थी। हुआ क्या, उससे हिंदी ने खुद भी बहुत कुछ खो दिया। एक पूरी भाषाई संपदा है ना, एक विरासत है, उससे महरूम कर लिया अपने आप, ठीक है। और उर्दू ने भी उस हिंदुस्तानी बीच के रास्ते को छोड़ने के बाद वो भी रूट सी गई, अपने ढंग से चलने लगी, वो भी कुछ मुट्ठी भर लो, वो भी शुद्ध हो गई, हाँ मुट्ठी भर लो।
और ये जो बात है कि सिर्फ उत्तर भारत में महदूद रह गई, भाई ये झगड़ा तो उत्तर भारत का ही था, माफ कीजिएगा, हिंदी उर्दू का झगड़ा साउथ इंडिया का झगड़ा नहीं है। ठीक है, कुछ हद तक आप हैदराबाद तक चले जाइए, उसके बियॉन्ड थोड़े ना झगड़ा है हिंदी उर्दू का, मलयालम का झगड़ा हिंदी उर्दू का झगड़ा थोड़े है, या तमिल का झगड़ा नहीं है, उड़िया का झगड़ा नहीं है, बंगाल में बहुत पहले था थोड़ा बहुत इस तरह का कि उसको साधु भाषा कैसे बनाए शुद्ध भाषा वगैरह, ठीक है, महाराष्ट्र में भी थोड़ा बहुत रहा, बहुत पहले रहा वो सब, तो ये है तो उत्तर भारत का ही, ठीक है, अविभाजित उत्तर भारत का झगड़ा कह लीजिए आप उसको, है ना। तो इसलिए कई लोग ये भी कहते हैं कि जैसे ही हिंदी की तरफ से कि जैसे ही आप हिंदी को शुद्ध बनाएंगे आप दक्षिण भारत की भाषाओं के नजदीक आ जाएंगे, तो आप अगर उर्दू से दूर भी हो गए तो कोई बात नहीं, अब बाकी भारत से आपका इंटीग्रेशन हो गया, आप उनसे एकाकार हो गए। भाई कैसे हो जाएंगे आप एकाकार? अब बहुत सारे अल्फाज, सही बात है कि संस्कृत एक जगह है जहां से आ रहे हैं शब्द, लेकिन मलयालम संस्कृत नहीं है ना, तमिल संस्कृत नहीं है, हिंदी संस्कृत नहीं है। अगर ये सब भाषाएं संस्कृत होती तो हम फिर डिस्टिंग्विश कैसे कर लेते हैं कि ये अलग जबान है? वैसे ही जैसे कि फारसी और उर्दू एक नहीं है, माफ कीजिएगा, अगर आप उर्दू की लिपि पर ध्यान दें तो दो दो चश्मे है जो है वो क्या है, तो चश्मे है भारत की ध्वनियों, हिंदुस्तान की ध्वनियों को जगह देने के लिए उसका आविष्कार किया है ना, भ ह बगैर नुक्ता के फे वाला जी, फ है ना, छ झ, इन ध्वनियों के लिए, ये कहीं नहीं मिलता है, ये अरबिक में नहीं है और ये उसमें नहीं है, सिर्फ उर्दू में, फारसी में, उर्दू में क्यों होंगे? तो इसीलिए उर्दू हिंदुस्तान की जबान, नॉर्थ इंडिया की जबान, इसमें मान लेना चाहिए। समस्या ये भी रही, मसला ये भी रहा कि भाई जो पॉपुलेशन थी, पॉकेट्स थे उर्दू को बोलने वाले, कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, ठीक है, और वो लोग चले गए, और एक कैंपेन चला ना कि सब कोई हिंदी लिखेगा, मगही भाषी, हम लोग जब पढ़ते थे झारखंड में जब पढ़ते थे तो हमारी मातृभाषा हमको कहना पड़ता था कि हिंदी है, नहीं मातृभाषा तो नहीं है हिंदी, लेकिन आपने एक फियाट से सरकारी नियम लगा दिया, चला दिया, हम स्टूडेंट है, हम थोड़े, हमको उतना थोड़े समझ में आता है, हमको बताया गया कि मातृभाषा, मेरी माँ तो बोल रही है मगही, लेकिन मैं स्कूल में लिख रहा हूं कि नहीं मातृभाषा मेरी हिंदी है। तो ऐसी तमाम बोलियां जो बड़ी भाषाएं थी वो आधुनिकता के साथ, इसमें आलोक राय ने कहा ना, आधुनिकता के साथ पीछे चली जाती है ना, चाहे वो अवधि हो चाहे, तो हिंदी उर्दू का लफड़ा सिर्फ हिंदी उर्दू का लफड़ा नहीं है, और भी भाषाएं, आलोक राय ने कहा ना कि हिंदी ने उनकी जगह ली इन भाषाओं की जो बड़ी भाषाएं थी और उनको बोलियां बना दिया इसको, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें तरमीम करता हूं जी। मैं सजेस्ट करता हूं आलोक को कि नहीं, जिस तरह से राष्ट्रवाद का पूरा आख्यान एक सैक्रिफाइस का, बलिदान है ना, कुर्बानी का इतिहास है, उसी तरह से आप इसको सांस्कृतिक और भाषाई कुर्बानी का इतिहास भी माने, कि जो मगही भाषी थे उदाहरण के तौर पर हमारे पिताजी, हमारे बाबा, ठीक है, इन लोगों ने तय किया कि हम अपने भाषाई अस्तित्व को मिला देंगे हिंदी में जी। तभी तो ये हुआ, वरना कुछ आंदोलन जैसे मिथिलेश झा ने देखा, मैथिली का आंदोलन, वहां असंतोष है ना जी। अभी एकेडमी के स्तर पे बात चल रही कि चलो भाई दिल्ली में बना दिया अकादमी आपने, मैथिली भोजपुरी अकादमी बना दिया, या मैथिली यूपीएससी में मैथिली के मीडियम से आप परीक्षा दे सकते हैं, या मैथिली भाषा का एग्जाम लिख सकते हैं, कुछ कुछ है इस तरह का, तो कुछ कंसेशंस सरकार देती रही है, लेकिन वो अलग राज्य तक बनने की बात अभी तक हुई नहीं, मांगे हुई है, बना नहीं, राज्य भी नहीं, राष्ट्र तो छोड़ दीजिए। तो ये मसला है, पेचीदा मसला है, इसीलिए लोग कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं और लगातार लोग कह रहे हैं कि हिंदी को इन अपनी पड़ोसी जबानों से, मैंने भी कहा
दूरी बनाने की जगह पर उनसे लेना चाहिए, लगातार लेते रहना चाहिए। और हर भाषा जो बड़ी होती है वो ले दे के ही होती है बड़ी, नहीं तो वो छोटी होती चली जाएगी। सर लेकिन जिस प्रकार पार्टीशन के विभिन्न कारणों में कारण भाषा, बिल्कुल, तो कुछ जो उर्दू दा अपने जो उर्दू को अपनी घर की जागीर समझते थे उन्होंने तो पाकिस्तान लेके चले गए, खासकर उसमें जो जो विशिष्ट वर्ग हुआ करते थे उन्होंने अपना पाकिस्तान ले चले गए। क्योंकि उस वक्त बाद भी इंडिया में भी उर्दू दा लोग रुके, खासकर वो लोग जो उर्दू दा थे जो तरक्की पसंद तहरीक को चला रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हिंदुस्तानी का सपना गांधी नेहरू या उस टाइम PWA के जितने कार्यकर्ता कह लें या चाहे उनके मेंबर थे, सब ने मिलकर सपना देखा, लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी को सफलता नहीं मिली, तो इसका जिम्मेदार, क्योंकि सर अभय दुबे जब हिंदी में हम किताब लिखते हैं उन्होंने उसमें कहते हैं कि हमें इसकी आलोचना करने के लिए हिंदी आलोचना नहीं करना, बल्कि हमें उस औपनिवेशिक जो मानसिकता है उसकी आलोचना करने की जरूरत है, क्योंकि इसका जिम्मेदार हिंदी नहीं है। तो सर अगर इसका जिम्मेदार हिंदी नहीं है, सरकारें नहीं है, क्योंकि नेहरू के जो ट्राइलिंगुअल लैंग्वेज का जो फॉर्मूला दिया था उन्होंने देने के बाद वो गुजर गए नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिली, तो इसका जिम्मेदार फिर है कौन? तो जाहिर है कि सियासतदान ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और 1947 के बाद की आजादी के बाद का जो माहौल है उसमें ये कैप्चर वाली बात है ना कि अब सारे इदारों पर हिंदी का कब्जा किया, जहां उर्दू का कब्जा था या नहीं था उसको बढ़ाया जाए। लेकिन वो सिर्फ यहां तक बात नहीं, वो नागरिक प्रचारणी सभा जब चल रही है तो एक बड़ा आंदोलन है एक तरह से, है ना, जो कि रचनात्मक कार्य कर रही है, डिक्शनरी बना रही है, व्याकरण बना रही है, यूनिवर्सिटी में दखल दे रही है और वहां पे जाकर के डिपार्टमेंट्स, है ना, परीक्षाएं ले रही है। तो एक पूरा एक पैरेलल सिस्टम जो सरकार के पैरेलल वो चलाती, ठीक है, आप कह सकते हैं कि उर्दू मोर और लेस, है ना, कुछ रजवाड़ों के पेट्रोनेज में रह जाती है या बाजार के भरोसे रह जाती है, क्योंकि उसका एक बाजार था। नवल किशोर प्रेस उर्दू में ज्यादा सामान, ज्यादा चीजें छाप रहा था, ठीक है, बाद में हिंदी का बाजार बन जाता, जो काम अभी रेखता कर रहे, बिल्कुल, जो काम अभी रेखता का है और बहुत बढ़िया काम है। और रेखता बहुत दिलचस्प है कि तीन लिपियों में चलता है, उर्दू हिंदी और उर्दू हिंदी और अंग्रेजी, और क्या बढ़िया रिसोर्स है, बहुत बढ़िया संसाधन है, है ना, और हिंदवी अलग उन्होंने शुरू कर दिया है, ठीक है, बढ़िया है, और सब ये सब अच्छी चीजें हैं। तो ये जो कैप्चर करने की कोशिश की गई उसमें उर्दू से, है ना, राही मासूम रजा ने अपने उपन्यासों में इसका जिक्र बहुत ओस की बूंद में किया है, टोपी शुक्ला में किया है, कि जो भाषाई राजनीति होती है जिस तरह से चलती है और मुसलमानों को जिस तरह से हाशिए पर डाला जाता है उसके जरिए, भाषा उसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि सिर्फ मुसलमानों को ही उनकी जगह नहीं दिखानी है, उनकी भाषा को भी वो जगह दिखानी है, ठीक है। तो उसमें चूंकि रचनात्मक ऊर्जा इतनी रहती है कि उसको हटाते 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 वक्त लग जाता है। अभी भी आप मतलब शुद्ध हिंदी में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी ने कहा है कि हम लोग इश्क का इजहार मतलब हिंदी कवियों ने हमें बहुत कुछ सजेस्ट किया, बहुत सारे उपाय बताए, कविताएं लिखी, लेकिन हम लोग इश्क का इजहार बगैर उर्दू के कर ही नहीं पाते थे, इश्क का बेवफाई का तो हम फिल्मी गानों के बिना हम कर ही नहीं पाते थे। उन्होंने अपने कसब में दिखाया भी कि उनके चरित्र पहाड़ के चरित्र हैं, लेकिन बार बार फिल्मी गानों का सहारा लेते हैं अपने आप को व्यक्त करने के लिए। तो ये असर है, है ना, उर्दू का, जो कि है अभी भी है सिनेमा में। ये अलग बात है कि वो उसका रूप बिल्कुल कौन रिस्पॉन्सिबल है भाषा के लिए? कोई भाषा रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, भाषा में के पीछे जो लोग होते हैं, लोग जब सचेत रूप से, चाहे वो उर्दू वाले हों चाहे हिंदी वाले, अपनी भाषा में जात बाहर कर रहे हैं शब्दों को, यार ये तो अरबी फारसी का लग रहा है, इसको निकाल दो, यानी अपने भाषा को लेकर कॉन्शियस हो जाना, और इस तरह से कि शुद्धतावादी ब्राह्मणवादी ढंग से कॉन्शियस हो जाना कि हम इसको घुसने नहीं देंगे,
हमारा रक्त, भाषाई रक्त अशुद्ध हो जाएगा, है ना। हड्डी का सवाल है, जैसे मुसलमानों में कहा जाता है कि सैयद हैं तो सैयद रहे, है ना। राही मासूम रजा जो कहते हैं कि भाषा जबान बिगड़ जाती है, ठीक है। तो ये जो जिन लोगों ने इस तरह के शुद्धतावादी भाषा की राजनीति की, उनको समस्या उनकी रही है, और इसमें लेखक भी शामिल है, कवि भी शामिल है, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी शामिल है, सियासतदान भी शामिल है, सारे सारे लोग शामिल हैं। और मुझे लगता है कि साहिर जैसे लोगों का रचनात्मक कर्म जो है, प्रैक्टिस जो है, वो उन पर अटैक था। या जब अब्बास कहते हैं कि इस जबान को कुछ भी नाम दे दो, भारतीय जबान दे दो, हिंदुस्तानी दे दो, नाम कुछ भी दो, लेकिन जबान वही चलेगी जो मिलवा जबान है, ठीक है। और यहाँ पे गांधी जी ने भी यही कहा कि लिपि पता नहीं क्या चलेगी, लेकिन वो जबान तो वही चलेगी जो हिंदुस्तानी है। इसलिए नाम जो भी देना दे दो, वो जाहिर है उसको हिंदी और उर्दू के नाम से ही जाना जाएगा, लेकिन और हिंदुस्तानी बीच में टोबा टेक सिंह की तरह क्या कहें, मौत के घाट उतार दी गई, लेकिन वो जबान असली में, नाम जो भी हो उसका, वो है तो बीच की, उसका भले ही आज रूप हिंग्लिश्तानी का हो गया। हाँ दोस्तों, इस गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी रहेगा, अभी कुछ सवालों की और मेरे पास सवालों की लिस्ट है, मैं एक छोटे से टी ब्रेक के रुकूंगा।